हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम HTML के जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में जैसे टेक्स्ट को कैसे हम बोल्ड करते हैं, कैसे इटैलिक करते हैं, कैसे उसको सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट कैसे उसको इन्फेसाइज करते हैं या फिर मार्क करते हैं, ये सब सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो फिर से हम इस फोल्डर में जो हमने बनाया हुआ है, फाइल जो माई पेज डॉट टेक्स्ट है उसको हम ओपन करते हैं। हम इन सबको डिलीट कर दे रहे हैं क्योंकि हमें कुछ नया पढ़ना है। और एक बात और, इसमें एक कमेंट होता है HTML में जो कुछ ऐसा होता है। इसके अंदर अगर हम कुछ भी लिखेंगे इसके अंदर हम यहाँ पे इसके अंदर ये जो टैग होता है इसके अंदर अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं होता है। तो जैसे इसको हम सेव करें .html से, सेव कर दिया हमने और HTML को हमने ओपन किया, तब देख सकते हैं कुछ भी दिख नहीं रहा है, यहाँ पे कोई भी कंटेंट नहीं है। तो थोड़ा सा इसका हम यूज करेंगे। तो पहले हम देख ले रहे हैं कि क्या क्या इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, किस किस टैग के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं इस टैग का नाम इस टैग के अंदर लिख रहा हूँ क्योंकि ये वेब ब्राउजर पे दिखे ना। तो बोल्ड करने के लिए हम बोल्ड टेक्स्ट को यूज करते हैं बी टैग का, ठीक है। उसके बाद हम इसको इम्फेसाइज करने के लिए, इम्फेसाइज उसकी इम्पोर्टेंस को बताने के लिए हम यूज करते हैं em टैग का। उसके बाद इसको अगर हमें इटैलिक करना है तो हम यूज करेंगे i टैग का, ठीक। उसके बाद अगर इसको हमें मार्क करना है तो हम मार्क टैग का यूज करेंगे। अगर हमें सब स्क्रिप्ट लिखनी है जो कि टेक्स्ट के नीचे जो लिखा जाता है, जैसे x2 x1 जो मैथ्स में होते हैं, तो उसके लिए हम सब का यूज करते हैं। अगर हमें सुपर स्क्रिप्ट का यूज करना है तो हम sup का यूज करते हैं। अगर हमें इंसर्टेड टेक्स्ट का यूज करना रहता है तो हम ins का यूज करते हैं, ठीक। अगर हमें स्मॉल टेक्स्ट का यूज करना रहता है तो हम स्मॉल टैग, जो टैग का नाम है वो स्मॉल ही है, इसका यूज करते हैं। और जो लास्ट है वो है स्ट्रॉन्ग। अगर कोई इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है तो उसको हम स्ट्रॉन्ग टैग में लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो टैग्स के नाम हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कि इन सब टैग्स के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इसको हमने कमेंट में डाल रखा है कि ये जो टैग्स हैं वो वेब ब्राउजर पे नहीं दिखेंगे। तो हम अब इसका यूज करते हैं। अब हमने यहाँ पे इसको टैग को बंद कर दिया है, तो इसके बाद अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो वेब ब्राउजर पे दिखेगा। तो सबसे पहले हम बोल्ड का यूज करते हैं। देखिए बोल्ड और रुद्र, अब सारा हम लिख ले रहे हैं, फिर सबको हम देखेंगे, ठीक है, कि कौन सा कैसा व्यू कर रहा है। उसके बाद सेकेंड हम em का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे हम नाम यहाँ पे ले रहे हैं, ए जो कि हमारा बोल्ड है और बी जो कि इम्फेसाइज्ड है। उसके बाद हम यूज करेंगे आई को, इटैलिक को जो कि सी है, उसके बाद यूज करेंगे हम मार्क का जिसको हम डी ले रहे हैं। उसके बाद यूज करेंगे हम सब का
जिसको ई ले ले रहे हैं, उसके बाद हम ले रहे हैं एस यू पी जो कि एफ ले ले रहे हैं, उसके बाद आई एन एस को चेक करते हैं, उसके बाद हम सबको व्यू करा के बताएंगे कि कौन सा कैसा दिख रहा है। इसको हम जी ले ले रहे हैं आई एन एस को, जो कि इंसर्टेड टेक्स्ट के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हम स्मॉल ले ले रहे हैं, इसको आई ले लेंगे, उसके बाद स्ट्रॉन्ग जे ले ले रहे हैं इसको, उसके बाद बस इतना ही है हमारा। तो लेट्स देखिए, ए बोल्ड है, बी इम्फेसाइज्ड है, सी इटैलिक है, डी मार्क टेक्स्ट है, ई सबस्क्रिप्ट है, एफ सुपर स्क्रिप्ट है, जी इंसर्टेड टेक्स्ट है, स्मॉल आई है, स्ट्रॉन्ग जे है। तो सब स्क्रिप्ट के लिए हम यहाँ पे कोई और टेक्स्ट ले रहे हैं, जैसे क्यू ऑफ सब स्क्रिप्ट एंड वी ऑफ सुपर स्क्रिप्ट, कि हमको पता चले कि ये कैसे यूज में आता है। तो इसको हम इसको सेव कर ले रहे हैं, इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो ये साथ में सारे दिख रहे हैं, तो इसको हमें एक कॉलम में करने के लिए हम एक टैग होता है बी आर जो ब्रेक होता है, इसका यूज कर लेंगे हर लाइन के नीचे। इसका मतलब ये है कि जो बोल्ड जो ए दिखाएगा बोल्ड में, उसके बाद एक लाइन के बाद, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि ए के बाद ही बी दिखा रहा है, तो वो उसके नीचे दिखाएगा। तो इसको हम कॉपी कर ले रहे हैं बी आर को, और सारे टेक्स्ट के आके, सारे टैग के आगे इसको हम पेस्ट कर दे रहे हैं। साफ साफ हमें दिख सके कि किस टैग का क्या मीनिंग है। सो अब हम इसको फिर से सेव कर देते हैं, सॉरी या सेव कर देते हैं इसको, फिर से हम इसको ओपन करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं टैग्स को और इसको कि किसका मीनिंग क्या है। जो टेक्स्ट फाइल था सॉरी अरे ये सेव नहीं हुआ है, तो एक सेकेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये जो ए है वो बोल्ड है, ठीक, देखिए ए बोल्ड है, ये जो बी है वो इम्फेसाइज्ड है, जो सी है वो देख रहे हैं आप टिल्टेड है सी, एंड डी देखिए मार्क है, जो हम टेक्स्ट मार्क करते हैं वो है, और ये देखिए जो ई है वो सबस्क्रिप्ट है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्यू का यूज किया था कि सबस्क्रिप्ट का पता चले हमें। तो देखिए क्यू का जो सबस्क्रिप्ट है वो हमारा ई है, और जो ये एफ है वो सुपर स्क्रिप्ट है, तो हमने वी का यूज किया था कि वी का जो सुपर स्क्रिप्ट होगा वो होगा एफ। उसके बाद ये हमारा इंसर्टेड टेक्स्ट है, जी हमारा यहाँ पे एक लाइन होगी नीचे, कि इसका मतलब जो हमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के होते हैं कि उस वहाँ पे वो इंसर्टेड है जी, आई स्मॉल है एंड जे स्ट्रांग है। ओके, थैंक यू।